द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। इस वक्त हम आपको लगातार काउंटिंग के लाइव अपडेट्स दे रहे हैं। बड़ी खबर सामने आई है, शुरुआती रुझानों में इंडिया गठबंधन ने तहलका मचा दिया है। 255 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है शुरुआती रुझानों में। अगर आदर्श के आंकड़ों को भी अगर जोड़ देते हैं तो बहुमत की तरफ इंडिया गठबंधन बढ़ता हुआ साफ तौर पर दिखाई पड़ने लगा है। लोकसभा चुनाव 2024 में अब पोस्टल बैलेट के बाद ईवीएम की भी काउंटिंग शुरू हो गई है। ईवीएम की काउंटिंग जैसे ही आगे बढ़ी है, इंडिया गठबंधन के लिए अच्छी खबर आनी शुरू हो गई है। जिस तरीके से एग्जिट पोल में इंडिया गठबंधन को एकदम से नीचे गिराने की कोशिश हो रही थी, अब धीरे धीरे तस्वीर साफ हो रही है। जरा अपने स्क्रीन पर देखिए, न्यूज 24 का अपडेट है कि यहां एनडीए को अगर 226 सीटों पर रुझानों में बढ़त है तो वहीं इंडिया गठबंधन को 255 सीटों पर बढ़त है। वहीं 60 सीटों पर अन्य के खाते दिखाई पड़ रहे हैं। मतलब यह हुआ कि 255 प्लस 60 अगर आप जोड़ दें, क्योंकि जो आदर्श है वो बीजेपी के साथ नहीं है। हाँ, इंडिया गठबंधन से थोड़े बहुत मतभेद हैं, लेकिन वो फिर एक हो सकते हैं। दोनों को जोड़ दीजिए तो 315 का आंकड़ा पहुंचता है। तो कुल मिलाकर यह आंकड़ा कहीं ना कहीं रुझानों में बहुमत की तरफ इंडिया गठबंधन को दिखा रहा है। मतलब तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव की बात करें या राहुल गांधी की बात करें, ममता बनर्जी की बात करें, इन लोगों ने जितनी ताकत झोंकी है, जनता ने उस हिसाब से इन्हें प्यार भी दिया है। इस वक्त लोकसभा चुनाव 2024 पर लगातार आंकड़े जो गिनती के हैं वो बदल रहे हैं। अब यहाँ पर किस तरीके से ये रुझान जो है नतीजे में तब्दील होंगे, नजर इस पर रखना होगा। लेकिन शुरुआती रुझान ने बताया है कि कई राज्यों में इंडिया गठबंधन के लिए अच्छी खबर है, और जहां जहां बीजेपी 2019 में अधिक से अधिक सीटें जीती थी वहां पर उनका ग्राफ माइनस होता जा रहा है। और यह न्यूज 24 का आंकड़ा एकदम से सबको आश्चर्य में डाल रहा है, खास करके एग्जिट पोल वालों के पसीने छूटने लगे हैं कि जिस तरीके से इन लोगों ने 400 पार का आंकड़ा दिखाया था एनडीए के लिए, वो यहां पर सही साबित होता नहीं दिखाई पड़ रहा। एक बार फिर से आप ग्राफिक्स देख लीजिए, एनडीए 226, इंडिया 255 और अदर्स 60 पर आगे। मतलब अगर शुरुआती रुझान देखें तो स्पष्ट तौर पर इंडिया गठबंधन ने कमाल किया है। वैसे अगर उम्मीदवार वाइज आंकड़े देखें तो वो भी हम अपडेट आपको लगातार देंगे, लेकिन इस वक्त यह पूरा आंकड़ा अपने आप में बहुत बड़ा है। चाहे झारखंड हो, बंगाल हो, कर्नाटक हो, तमिलनाडु हो, हर जगह इस वक्त यह दिखाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं एनडीए के लिए अच्छी खबर नहीं है, इंडिया गठबंधन के लिए बहुत बड़ा रिजल्ट है। यह महाराष्ट्र में भी बढ़त है। तो देखते हैं कि अब लेटेस्ट अपडेट क्या आता है। बने रहिए हमारे साथ। शुरुआती रुझानों में इंडिया गठबंधन, कांग्रेस बहुत आगे है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।